यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है चरखी दादरी से, जहां पर एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अनियंत्रित होकर एक कार पेड़ से टकरा गई है। बड़ी खबर आपको चरखी दादरी से बता रहे हैं, दो बच्चों सहित चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और तीन लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को फिलहाल रोहतक PGI रेफर कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चरखी दादरी में, जहां पर एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। दिल्ली रोड पर गांव लोहरवाड़ा के पास की यह घटना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चरखी दादरी में अनियंत्रित होकर एक कार पेड़ से जा टकराई है, जिसमें तीन लोगों के घायल होने की खबर है और इसमें दो बच्चे और चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। तीनों बच्चों को रोहतक PGI में रेफर कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चरखी दादरी से, जहां पर कार के अनियंत्रित होने की वजह से वो पेड़ में जा टकराई, जिस पर मौके पर ही दो बच्चों सहित तीन लोगों की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चरखी दादरी में एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप साहू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या है पूरी खबर? आज सुबह ये गांव मंदोला के हैं और ये कुल सात लोग अल्टो गाड़ी में सवार होकर मातनहेल गांव की तरफ जा रहे थे और जैसे ये दादरी से लोहरवाड़ा की तरफ निकले, दिल्ली रोड पर निकले, तो गांव लोहरवाड़ा के पास जो सामने से एक बस आ रही थी और बस से जो उस कारण जिस तरह निकली उसके साथ में संतुलन बिगड़ गया और सीधी पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जो थे अन्य गंभीर रूप से घायल थे उन सबको दादरी के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां पे दो बच्चों सहित एक महिला के बीच नियम मृत घोषित कर दिया गया, जबकि एक बच्चा सहित दो अन्य को, तीन को हालत जो गंभीर थी उसको रोहतक PGI रेफर कर दिया गया है और फिलहाल जो मृतकों के शव को दादरी के सरकारी अस्पताल में रखा गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच चल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप साहू। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चरखी दादरी में एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई।